महाराज मैं कनिष्क आ गया प्रश्न तुमसे पूछा जाए उसका सोच विचार कर उत्तर देना कनिष्क। युवराज पुरुषोत्तम की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया, उनके जीवित होने का सत्य हम सबसे छुपाया गया। क्या तुम किसी भी प्रकार से इस षड्यंत्र में लिप्त थे या इसके विषय में कुछ जानते थे? सोच समझ के उत्तर देना कनिष्क, क्योंकि आज यह प्रश्न तुम्हारे पिता नहीं बल्कि परम नरेश पूछ रहे हैं। मुझे संदर्भ में कुछ ज्ञात नहीं मालूम। यही इसी सभागृह में आपने हमारे समक्ष खड़े रहकर यह सिद्ध किया था कि युवराज पुरुषोत्तम अब जीवित नहीं और पुरु के साथ साथ नौका पर उपस्थित सभी लोग मारे गए हैं। पुराने घाव अभी भरे भी नहीं थे, आपने उन्हें फिर से हरा कर दिया। फिर से पहले हमारे पुत्र, फिर हमारे पत्नी के प्राण लेने का प्रयास किया आपने। हमारे विश्वास को फिर से घात किया। आपने केवल हमारे नहीं पूरे पौरव प्रजा के पेट में कटार भोगी है शिवदश्री। कोई अपने क्रोध और प्रतिशोध में इतना कैसे नीचे गिर सकता है? जिस भाई के लिए संसार से लड़ने को तत्पर थे उसे आज भाई कहते हुए भी लज्जा आती है हमें। आपने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है शिवदश्री। अब तो आपको क्षमा करने का कारण स्वयं ब्रह्मा भी हमें नहीं बता सकते। वर्षों पश्चात हमारा परिवार एक हुआ, लगा जैसे जीवन का बुरा स्वप्न समाप्त हो गया। लगने लगा था जैसे इस परिवार के बाद ही पूरा भारत एकजुट हो जाएगा, अखंड हो जाएगा। परंतु इस एकता के आधार को, विश्वास की डोर को ही आपने खंड खंड कर दिया शिवदश्री। सुना था कि घर के वृक्ष को पड़ोसी के कुल्हाड़े नहीं घर के दीमक ही अधिक हानि पहुंचाती है। आज आपने वो बात सत्य सिद्ध कर दी शिवदश्री। आपने पुरु की नहीं अपने भाई की आत्मा की हत्या करने का प्रयास किया।
पिछली बार हमने आपको केवल कारागार में डाला था, तो इस बार आपने जो अपराध किया उसके लिए संसार का हर दंड छोटा है। बचना नहीं चाहिए वो, उनके मार डालो उसे। नहीं हेफेस्टियन, उसने मुझे ललकारा है और अलेक्जेंडर अपना शिकार खुद करता है। मुझे वो हर हाल में जिंदा चाहिए। चलो चारों ओर से घेर लिया है, विभिन्न स्थानों में फैल जाओ। नरेश बबनी युवराज पुरुषोत्तम और उनके साथियों के प्राण लेने का षड्यंत्र रचने के अपराध में मात्य शिवदत्त को देशद्रोही घोषित करते हैं। उन्हें वही दंड मिलेगा जो हर देशद्रोही को मिलता है। और अब राष्ट्र की समस्त प्रजा के समक्ष इनकी अंतिम सांस तक इन्हें सूली पर लटकाया जाएगा। दंड के प्रबंध होने तक हमारे शिवदत्त को बंदी बनाकर कारागार में रखा जाए। ले जाओ इन्हें। आदेश पूरा करो।
बंदी बना लो हम आत्य को। इतना आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, किंतु उससे पूर्व आप हमारी बात सुनोगे। महाराज होने का दम भरते हो ना बमनी? क्या कभी सोचा है, अगर मैं अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटता तो ये राजसी पगड़ी आज तुम्हारे सर पर ना होती। मैंने स्वयं ये सिंहासन नहीं स्वीकारा क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरा भाई अधिक योग्य था। राजा की तलवार तुम्हें सौंपी और स्वयं जीवन भर मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहा। हर प्रहार को सहा, ज्येष्ठ होने के पश्चात मैंने तुम्हारे हर हुक्म को स्वीकारा, पर इसी अनुसूया की वजह से तुमने मेरी वर्षों की निष्ठा भुला दी और कारागार में डलवा दिया। उसी कारागार ने मुझे सिखाया कि मनुष्य का बल उसकी निष्ठा में नहीं, उससे मिली शक्ति में होता है। इसलिए इस बार मैंने निष्ठा नहीं, शक्ति को चुना है। और देखो बमनी, अब शक्ति मेरे पास है। अब ये पौरव सेना मेरा आदेश सुनती है, तुम्हारा नहीं। हवा की दिशा परिवर्तित हो चुकी है बमनी। पिछली बार तुमने मेरी पगड़ी उछाली थी और इस बार बारी तुम्हारी। कहा था ना अनुसुईया कि इस बार मैं अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक अवरोध को हटा दूंगा। फिर चाहे वो महाराज ही क्यों ना हो। सिंहासन का मोह त्यागने का समय आ गया है बमनी। इसी क्षण से मैं तुम्हारा पौरव राष्ट्र नरेश का पद छीनता हूं। आज के बाद इस पौरव राष्ट्र में जो कुछ होगा उसका निर्णय मैं करूंगा।
लगता है वो लोग अपना मार्ग भटक गए हैं, अब हम सुरक्षित हैं। नहीं विशुद्धि, जो भारत का मार्ग ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गया वो उतनी आसानी से अपना मार्ग नहीं भटकेगा। पौरव राष्ट्र में बमनी नामक हुरिये अस्त हुआ। भूतपूर्व महाराज अरुण की पत्नी को बंदी बना लो। एक बात आप भूल रहे हैं शिवदर्शी, राजा होने से पूर्व हम एक योद्धा है। सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करके आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, अंत तक युद्ध करेंगे। और शस्त्र चलाने की मेरी योग्यता से आप तो भली भांति परिचित है शिवदत्त श्री।